तो नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ जुल्म मिटने के लिए। दो चीजों से मिटेगा भाई, एक अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे, दूसरा कौम निकल खड़ेगी उस जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा, या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 400 बीसी का मुकदमा था उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे वो पूछते ना यार चीट हुआ कौन है, जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ केस खत्म कर देते, तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को यार, 1.5 साल चला, शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया, एक ही इल्जाम पे दो केस हो नहीं सकते भाई, मतलब 60 दिन का वक्त होता है, 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया, 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली, नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार, भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर, मैं नहीं सुनता ये केस, खड़े रहते अपने फैसले, मिट जाता जुल्म, अल्लाह ताला ने बिठाया इस कुर्सी इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं, तो या तो ये फैसले आएंगे जुल्म मिट जाएगा या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। सुप्रीम कोर्ट के मंसूर अली शाह साहब जस्टिस एक ऑर्डर पास किया उनकी बेंच, और उस ऑर्डर के अंदर उन्होंने बड़ा क्लियर बता दिया कि जी बरियत की जो दरखास्तें हैं वो कब कब लगेंगी, उसमें से एक वजह उन्होंने बताई कि जी जब कोई क्राइम ही ना हुआ हो तो बरी कर दें ताकि अदालतों पे बोझ ना रहे, केसेस चलते ना रहे। सुप्रीम कोर्ट ये मिसालें कब बनाएगा ऐसे लोगों के खिलाफ जो इस तरह की एफ आई आर काट रहे हैं, ऐसे ऑफिसर्स और ऐसे लोग जो इस तरह के केसेस को जजेस चला रहे हैं। रहमत का महीना आ गया है, बख्शिश का सफीना आ गया, होगी मुलाकात उलमाए दीन से, जुदेंगे इत्तेहादे बैनुल मसालिकीन का दर्स, जिक्र होगा अंबियाए कराम, रमजान की स्पेशल ट्रांसमिशन रमजान में। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।